जानना। आप देख रहे हैं स्टार चर्चा न्यूज़, देखते रहिए आज के खास समाचार। मेरे परिवारजनों, नीमच का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। यहां आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बनाया गया था। ये धरती सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है और नीमच के फुटबॉल प्रेम की किसे तो पूरे देश जानता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला, आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामों निशान मिट रहा है। एमपी में भी दो दशक हुए हैं, ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है। जबकि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है, भाजपा राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर काम कर रही है, जिन क्षेत्रों में जिन वर्गों को कांग्रेस ने पूछा तक नहीं उनको पहली बार भाजपा ने ही राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी दी है। भारत की इसी सामूहिक शक्ति के कारण भारत और भारतीयों का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी भारत भारत होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा कल इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। दुनिया में हर जगह पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। आपको गर्व हो रहा है? आपका माथा ऊंचा रहा है? ये दुनिया में भारत का नाम क्यों ऊंचा हो रहा है?
क्या कारण है? आपका जवाब सही नहीं है, ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ है। ये आप लोग हैं जिन्होंने देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है, और यही बात कांग्रेस को पिछले 10 साल से पच नहीं रही है। जिस मोदी को ये दिन रात गाली देते हैं, वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है, यही बात कांग्रेस को खल रही है। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं। विदेश के जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है।